हेलो जी, सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट गैजेट्स, दैट इज दिस पैन टैब। यस, इसका मैं यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस बनाने में, एंड इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं उसमें मैं इसका यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को जब से मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया है अपने वीडियोस में, तो आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए, मे बी कि ये आपके भी काम आ सके, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल गैजेट है। तो आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? आप अगर मान लीजिए आप ऑफिस में, अगर प्रेजेंटेशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरह वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन के टाइम पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर नोट्स बनाने में, जैसे आपको अपनी आपको टाइप करना पसंद नहीं है तो, और आपको पसंद है लिखना ज़्यादा पसंद है, बट आप उसको डिजिटली चाहते हैं, तो आप तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये रेड ब्लैक कलर में मैंने लिया है, वाकॉम कंपनी का। इसका जो लेंथ है वो है कुछ 10 inches, बट जो ओरिजिनल, देखिए अगर आप इस पे देख सकते हैं तो देखिए डॉटेड यहाँ पर कुछ है, तो ये वाली जो विंडो है इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 inches, एंड जो इसकी हाइट है वो है 5.3 inches, मीन्स दिस इज़ द विंडो जिस पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसके साथ मुझे मिली है ये कॉर्ड जिसको हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, और ये एक मिला है हमारे पास डिजिटल पेन, जो इसमें कहीं पर भी बैटरी का यूज़ नहीं होता है, एंड किसी भी तरह का कोई भी डिले आप नहीं देखोगे। जब मैं यहाँ पर लिखूँगी ना, इस टैब पर लिखूँगी, तो आप डायरेक्टली देखोगे कि वो चीज़ हम कंप्यूटर पर लिख पा रहे हैं कैसे। जल्दी से देखते हैं हम लोग एक डेमो। तो जस्ट मैं क्या करूँगी, इस कॉर्ड को कनेक्ट करूँगी। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि ब्लूटूथ भी होता है, ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट मैंने वो ऑप्शन नहीं चूज़ किया था, मैंने कॉर्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया था। तो ये देखिए, ये मैंने अपने कंप्यूटर से किया इसको कनेक्ट। ओके, और हम लोग इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सॉफ्टवेयर, दैट इज़ बैम्बू पेपर। एंड इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ये वाला सॉफ्टवेयर आता है, दिस वन वन नोट, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बैम्बू पेपर का, तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं इस पर लिखूँगी, देख रहे हो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और वो वहाँ पर ड्रॉ हो रही, मीन्स किसी भी तरह का कोई भी डिले यहाँ पर नहीं होता है। और मैं आपको सही में बताऊँ, कोई भी लिखने में परेशानी नहीं होती है, जैसे आप नॉर्मल पेपर पेन पर लिखते हो ना, वैसे ही आप इस पर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत गड़बड़ आती थी, गंदी गंदी सी आती थी, बट अभी वो सुधर गई है, अभी काम अच्छे से चल रहा है मेरा। अच्छा, अब बात आती है कि जो हम आईपैड यूज़ करते हैं उसमें, और ये जो पेन टैब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पेन टैब होता है ना, उसमें जब भी आप यहाँ पर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे टैब पर, वो आपको शो होता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो उसे, बट इस पेन टैब में वो चीज़ नहीं है। ये जस्ट आपको एक ब्लैक स्क्रीन दी हुई है, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आपके डेस्कटॉप में शो होगा। तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फील हो कि मैं यहाँ पर लिखूँ या फिर वहाँ पर स्क्रीन पे देखूँ, इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये प्रॉब्लम फील हो, बट टाइम के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपका वो चीज़ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे तो यहाँ पर, बट आपका जो ध्यान रहेगा वो रहेगा सामने विंडो पर, तभी आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो ये देखिए, सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें इरेजर मिल जाती है, यहाँ पर हमें पेन का कलर मिल जाता है, और यहाँ पर हमें पेन की जो वर्थ है, नोक की जो वर्थ है, वो यहाँ पर हमें मिल जाती है, आता है। तो वाकॉम इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप इसे परचेस करने की सोच रहे हैं। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो कॉस्ट कुछ इसकी ज़्यादा नहीं थी, कुछ 6000 अराउंड मुझे ये पड़ा था। एंड इसके अलावा ये और भी साइजेस में आता है, ये आपको मिलेगा 5 inches में भी ये मिलता है, जो जस्ट क्या होता है उसमें, जो हमारा टैब है ये इसका हाफ हो जाता है, वो इतना कुछ ऐसा साइज़ उसका आता है, ठीक है? तो काफ़ी छोटा ही साइज़ हो जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए, या फिर आप किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए आप इसे परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकता है, तो जस्ट गो फॉर इट।